नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। आज दोस्तों हम उन तीन काम की बातें करेंगे, वो तीन काम आपको बताएंगे जो आप शुक्रवार के दिन यदि करते हैं तो उससे आपके शुक्र मजबूत बनते हैं। सीधी सीधी मैं बात करती हूँ, देखो मेरी वीडियो के अंदर जो भी बात है सीधी सीधी आ जाती है। इसके लिए आपको कितनी बार ऐसा लगता है मैडम उपाय बहुत छोटा सा बता देते हैं? उपाय छोटा नहीं होता है। कई वीडियोस में आप देखते होंगे कि उपाय तो वही होगा लेकिन चिप चिप करके वीडियो को लंबे कर दी जाती है। ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, ये बहुत साधारण काम है, बहुत छोटा सा है। यदि आपने शुक्रवार करना शुरू कर दिया, आपके शुक्र मजबूत बन जाएंगे। सीधी सी बात है, शुक्र आपके यदि मजबूत बनते हैं तो लाइफ में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। शुक्र का मजबूत होना है व्यक्ति का लक्ष्मीवान होना, सौंदर्यवान होना, पांचों उंगली घी में होना। आज के जमाने में सुखी आदमी वही है जिसके शुक्र मजबूत है, क्योंकि आज के जमाने में लोग चरित्र से ज्यादा धन को महत्व देते हैं। पैसा और पावर ही आज की दुनिया में राज कर रहा है, तो आज के जमाने में शुक्र बहुत मायने रखता है। तो हर शुक्रवार यदि आप ये तीन काम करने लग गए तो आपके घर में धन आएगा और टिकेगा। जानकारी अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। सबसे पहला काम, शुक्रवार के दिन बिना भूले आप अपने कपड़ों पर इत्र छिड़के, घर में इत्र छिड़के, चौखट पर इत्र छिड़के, आप अपने बेड पर जिस पर आप सोते हैं उस पर इत्र छिड़के। इत्र से दोस्तों माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, इत्र से अप्सराएं प्रसन्न होती है, जो आपको वो आशीर्वाद दे जाती है, वो वरदान दे जाती है जिससे आपकी लाइफ फलने फूलने लग जाती है, आपकी आकांक्षाएं पूरी होने लग जाती है। कितनी बार ऐसा होता है हम ये बोलेंगे कि हमने गुरु को प्रसन्न करने के लिए इतने इतने उपाय किए, ये वाले मंत्र जाप किए, ये अनुष्ठान किया और हमने गुरु को प्रसन्न किया, राइट? कुछ लोग कुछ नहीं करते लेकिन उनके 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 गुरु मजबूत हैं या उनके गुरु मजबूत करने चाहिए। प्रकृति जब डिसाइड करती है तो ऑटोमेटिकली गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनेंगे। और ये फालतू बात नहीं, मैंने खुद ने कितने ऐसे लोग देखे जिनको ये भी पता नहीं है कि व्हाट इज गुरु व्हाट इज शुक्र, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुवार के दिन या ज्यादातर उनके लाइफ पीरियड में वो पीले कपड़े ही पहनना पसंद करते हैं। उनके पास भरपूर धन है और गुरु के जो भी लक्षण है उनके साथ है। तो आप यदि वो कर्म करना शुरू कर दें जो उस ग्रह से जुड़े हुए हैं, कोई आप दूसरी पूजा पाठ ना भी करते हो तो भी उस ग्रह से जुड़ी हुई शक्तियां आपका साथ देने लग जाती है, क्योंकि वो चीजें जुड़ी हैं उन चीजों से, राइट? गुरुवार के दिन दोस्तों बिना भूले सबसे पहले तो मैं बताऊंगी इत्र छिड़के। इत्र छिड़कना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं वो लोग भी पूजा स्थान में भी इत्र छिड़कते हैं, इत्र जरूर छिड़के। दूसरा, शुक्रवार के दिन मुंह में पीपरमिंट की गोलियां रखें। पीपरमिंट की गोली शुक्रवार के दिन बिना भूले आप कोई भी काम कर रहे हैं मुंह में इस गोली को रखें, इसको चबाते रहें। ये गोली को जितना ज्यादा आप मुंह में रखेंगे, इसको चबाते रहेंगे, आपके शुक्र मजबूत नहीं जबरदस्त मजबूत बनते हैं। शुक्रवार के दिन घर में गुलाब के पुष्प जरूर लाएं। पूजा स्थान में गुलाब के पुष्प अपनी माता रानी को अर्पित करें और स्पेशली लक्ष्मी माता को आप गुलाब के फूल शुक्रवार के दिन अर्पित कर दें, कोई बड़ी पूजा पाठ करें या ना करें। ये छोटे छोटे से काम दोस्तों आपके शुक्र को मजबूत नहीं बहुत मजबूत बना देंगे।
करके देखें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्णा।